फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? और सर थोड़ा सा बताइए एसोसिएशन के बारे में। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है हमारी बोलिए कि होटल्स की, बरेली होटल्स की, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मतलब जो बरेली में जो रेडिसन होटल है, ये एक्चुअली मेरी एक बहुत ही बड़ी एक ख्वाहिश थी कि सबसे पहले कि बरेली में एक 5-स्टार होटल बने। और ये जो है मेरी ख्वाहिश और ये मेरा जो सपना था, क्योंकि मैं कई जगह शूट करा करता था, जैसे कि दिल्ली, नैनीताल, बहुत जगह शूट करने गया, बट एक बरेली में शूट करने के लिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पर होटल की बहुत बड़ी कमी थी। जिस तरीके से होटल हम चाहते थे 5-स्टार होटल वहाँ पर, तो डॉक्टर मेहताब सिद्दीकी जी ने जो ये हमारा सपना पूरा किया बरेली में ये होटल बनाने का, तो ये बहुत बड़ा सपना पूरा किया। और उससे ज़्यादा सपना हमारा पूरा किया उस होटल का, मुझे ये ब्रांड एम्बेसडर बनाने का, तो मैं बहुत खुश हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ। तो ये थैंक यू सो मच कि इतना बड़ा होटल, मतलब बिग होटल मैं तो रह के आया हूँ वहाँ पर, और इतनी अच्छी सर्विस है वहाँ पर, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का मैनेजमेंट इज गुड, बहुत ही अच्छा है। तो मेरे लिए तो जब मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं था तब भी मैं उसको बहुत ही मतलब कहा करता था कि रियली मतलब हर तरीके से वो जो है बहुत अच्छा होटल है, वहाँ की सर्विस। और आज मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो जैसी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मैं चाहता हूँ कि मतलब ये चीज़ जो है जनरल तक पहुँचे। और जिस तरीके से डॉक्टर मेहताब सिद्दीकी जी ने जो होटल बनाया है कि लोग वहाँ पर आए, और बॉम्बे से कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स वहाँ पर शूट करने जाएं तो उनको मतलब कोई तकलीफ भी नहीं होगी, और एक अच्छा 5-स्टार होटल है वहाँ पर, और वो शूट भी वहाँ कर सकते हैं लोग, मतलब एक अच्छा वहाँ पर फील होगा हर एक बॉलीवुड के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर। और मुझे ऐसा लगता है कि कई डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से मेरी भी पर्सनली बात हुई है कि बरेली में बहुत जल्द वहाँ पर वो शूट करने जाएंगे और उस होटल में स्टे करेंगे। सर इसके अलावा जब मेहताब सर ने आपको बताया कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, वो भी बरेली का, क्योंकि आप आपकी पैदाइश भी वहाँ की है, तो क्या रिएक्शन था आपका, अगर उस बारे में कुछ बताया, कब पहली बार सर ने बताया आपको? मैं कई बार जैसे होटल में रहा वहाँ पर, और ये मेरा सपना था कि बरेली में 5-स्टार होटल बने, तो जब सर से मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर मेहताब सिद्दीकी जी से, तो ये मेरे मन में तो चल ही रहा था कि मैं किस तरीके से मतलब कहूँ। तो आपने ये मुझे बहुत मतलब इतना अच्छा ऑफर दिया कि मिस्टर मुकेश भारती जी, हम आपको जो है अपने होटल का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। तो ये आपने सही कहा कि मेरे चेहरे पे वो जो स्माइल थी, जो खुशी थी, वो देखने का मतलब लाइक थी, और मैं बहुत खुश हुआ वो टाइम पे, और मतलब अंदर और बाहर से मैं दोनों खुश हुआ कि यार रियली कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जिस मैंने बरेली में होटल का सपना देखा करता था, आज मैं उस होटल का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो खुशी तो मुझे बहुत ही है। मुकेश जी बिलोंग्स टू द बरेली, सो वी सपोर्ट ईच अदर, ही इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बरेली एंड स्ट्रगल इन मुंबई एंड सेटल डाउन इन मुंबई, माई सेल्फ ऑल्सो, तो वी वॉन्ट टू गिव टू द सोसाइटी बैक एंड वी आर सपोर्टिंग ईच अदर, ही एक्सेप्टेड माई ऑफर, आई फील आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट के आई ऑफर्ड हिम एज ए ब्रांड एम्बेसडर, आई स्पोक टू हिम 2-3 times ऑन द फोन, बट ही वॉज इन बरेली, आई एम इन मुंबई, so we met each other and discussed and settled down, he accepted my offer, which is I'm very grateful to him, and we want to his support and his contacts in Bareilly, because he is a star and he can do lot of things for my promote the hotels to the film shoot and other programs in the hotel, so both people are having win win situation. Thank you very much. Also jaise Mukesh ji ne kaha ki Bareilly mein koi 5 star hotel leta, तो कब आपने सोचा कि 5-स्टार होटल ओपन करना चाहिए, और व्हाट वाज द प्रोसेस और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप? देखिए मैं काफ़ी टाइम से ये चल रहा था कि बरेली में एयरपोर्ट आएगा, तो मैं भी अपने पेरेंट्स को, फैमिली को मिलने जाता हूँ, तो फिर मैंने कहा मम्मी से कि मैं एयरपोर्ट देखने जाता हूँ कहाँ पर हूँ, 30 साल पहले पढ़ा हूँ कॉलेज में बरेली में, तो भी देखने जाऊँगा। एक ऑटो रिक्शा किया और उस डेस्टिनेशन पर पहुँच गया जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा था।
देखा अभी बहुत टाइम लगेगा, उसके आगे और ऑटो रिक्शा वालों को बोला कि थोड़ा सा और आगे लेकर जाइएगा, देखना चाहते हैं कितनी दूर तक बरेली डेवलप हो गया है। तो वहां पर एक मौसमी रिसोर्ट था और एक 4-story बिल्डिंग अनकम्प्लीटेड खड़ी हुई थी। आई सेड ये क्या है, ये सेड ठीक है एक बारात घर है यहाँ पर और इसको वो बेचना चाहते हैं। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आई सेड मैं इस होटल में जाना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कौन है। जैसे होटल में गया वहाँ पर देखा तो वो होटल फॉर सेल था। इमीजिएटली मैंने कॉन्टेक्ट किया ओनर्स को और उस होटल को 1 महीने के अंदर परचेज कर लिया। बैंक से बात किया, फंडिंग वगैरह लेकर फिर एक ब्रांड चुके ऑलरेडी आई एम हैविंग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, हिल्टन, ग्रैंड हयात, रेडिसन, तो रेडिसन को वहाँ पर प्रपोज किया कि भाई एक होटल 5-star बनाना चाहते हैं। आई एम ऑलरेडी वर्क इन वेरियस टॉप क्लास ब्रांड्स, तो 2-star, 3-star होटल बनाने में चलाने में मज़ा नहीं आता है। तो वहाँ पर वो डिसाइड किया एंड होटल का लोकेशन एंड बहुत ही अच्छा है और जितने भी गांव वाले हैं वहाँ पर जो एयरपोर्ट के बराबर में है वो सब बोलते हैं कोई बॉम्बे के सेठ हैं, उन्होंने बरेली में रेडिसन चालू किया है और उन्होंने ही फ्लाइट बॉम्बे एंड बेंगलोर की डायरेक्ट शुरू करा दी है। इतने इन्फ्लुएंशियल, मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट फ्लाइट को नहीं है, बट गाँव वाले क्रेडिट मुझे ही देते हैं बरेली में कि 5-star होटल लाने का और बॉम्बे बरेली की डायरेक्ट फ्लाइट जो शुरू हो गई है, दिल्ली की शुरू हो गई है, बेंगलोर की शुरू है, तो उसका क्रेडिट जो लोगों को मालूमात नहीं है वो लोग मुझे ही देते हैं, तो मुझे बहुत फील बेटर होता है जबकि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमें भी लगता है कि जो इतना 5-star होटल बना सकता है तो एयरपोर्ट तो पहले से ही रहेगा बनाने का दिमाग। देखिए एक भगवान का शुक्र था, खुदा का एक अलमाइटी का ये था कि मेरा होटल चालू होगा, उसके साथ साथ एयरपोर्ट भी होगा, जो हम काफ़ी 20 साल से सपना देख रहे थे कि बरेली एयरपोर्ट शुरू होगा या नहीं होगा। अभी बॉम्बे की 4-5 फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट है, आप 2 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं, 2 घंटे में बरेली पहुंच जाते हैं। बेंगलोर से काफ़ी आईटी में लोग काम करते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह भी परेशान होते थे, जिससे हम भी अपने पेरेंट्स को दुख दर्द में खुशी में मिलने के लिए 6-12 घंटे 24 घंटे की जर्नी करके जाना पड़ता था, बहुत डिफिकल्ट होता था। तो भगवान ने हमारा होटल चालू इतना खुश नसीब है कि उसके साथ साथ एयरपोर्ट भी शुरू हो गया। सो दैट क्रेडिट गोज़ टू मी ओनली, बट माय कंट्रीब्यूशन इज़ ज़ीरो। निखिल जी आपसे जानना चाहूंगा, बरेली का एक कनेक्शन तो है, साथ ही क्या ऐसी 3 चीजें देखते हैं किसी भी ब्रांड को जब आप एसोसिएट करते हैं उसके साथ? देखिए मुझे सिर्फ, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाऊं और जो 5-star होटल रेडिसन बरेली जो खुला है, बस हमें उसके बारे में सोचना है कि वो कितना मतलब ऊपर और हमें जो है उसको लेके जाना है, उसको कितना प्रमोट करना है और जितने लोग अब तक जो नहीं गए हैं वहाँ पर और वहाँ पर वो जाएँ और उनको जो है उसका एक अच्छी सर्विस मिले, उनको बहुत अच्छा लगे वहाँ पर, यही हमारी मतलब एक कोशिश रहेगी वहाँ तक लोगों को पहुँचाने की। आखिर में मंजू जी आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको पता चला कि मुकेश जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है तो क्या रिएक्शन था और क्या कोई सलाह मशवरा हुआ था आप दोनों के बीच में अगर उस बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ और जब मैं छोटी थी बचपन में तो बरेली को हमेशा एक गाने के थ्रू मैं जानती थी कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, बट कभी ऐसे सोचा नहीं था कि बरेली में ही मेरी शादी हो जाएगी। तो जैसे मैं ये थॉट अपने माइंड में लेकर आती हूँ कि जैसे मैं बरेली को नहीं जानती थी या उसकी उस सिटी के बारे में नहीं जानती थी, तो ऐसे बहुत सारे आज के हमारे यंगस्टर हैं, बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं उस सिटी के बारे में। तो जैसे ही ये ऑफ़र हमें मिला और जब खुशी तो बहुत थी कि बरेली में 5-star होटल आ गया है, होटल आ गया है एंड हम लोग भी अपना बहुत एफर्ट्स उस सिटी को प्रमोट करने के लिए माइंड में नहीं था और हम कर ही रहे थे कि वहाँ पे हम शूट ऑलरेडी कुछ सारे बहुत सारे इवेंट्स भी कर चुके हैं और अभी शूट भी प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ही ये ऑफ़र आया तो मतलब ही नहीं था कि हम कुछ डिस्कशन करें, बिकॉज ये हमारे दिल की बात थी, ये हमारे मतलब हमारे दिल के करीब की बात थी कि वो जिम्मेदारी मेहताब जी ने हमारे कंधों पे डाली, मुकेश जी के कंधों पे डाली, तो हमने इमीडिएटली हाँ बोला। मतलब सेकंड कोई क्वेश्चन माइंड में कोई यस या नो वाली बात ही नहीं थी, तो सिर्फ यस थी। तो वी आर सो हैप्पी
कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और एज एन प्रोड्यूसर एंड जैसे बरेली एंड बॉलीवुड बोथ आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि बरेली को बॉलीवुड के नाम से ही, बॉलीवुड से ही मैं पहचानती हूँ क्योंकि उस गाने के थ्रू ही. और जब मैं बरेली जाती थी तो सबसे पहले मैंने बोला कि वो झुमका वाला स्पॉट कहाँ है जहाँ झुमका गिरा था. तो ऐसा कोई स्पॉट ही नहीं था वहाँ, सिर्फ जस्ट एक राइटर ने गाना लिख दिया और वो गाना इतना प्रमोट हो गया. सो मैंने वहाँ के लोगों से, वहाँ के जितने भी डिग्निटीज लोग थे उनसे मैंने बात की और उनको मैंने अप्रोच किया कि बरेली में एक झुमका स्पॉट बनाया जाए ताकि वो झुमका स्पॉट हम प्रमोट कर सकें. तो बस वहाँ के लोगों ने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमारी बात की रिस्पेक्ट की और वहाँ एक झुमका स्पॉट बना जिसका उद्घाटन भी मुकेश जी के हाथों से हुआ. सो अब एक होटल आया है और बहुत ही खूबसूरत होटल है और बस इस होटल को प्रमोट करने के लिए हम अपनी जान लगाने वाले हैं डेफिनेटली. सो अभी बॉलीवुड की मतलब ये एक बहुत प्लानिंग वाली चीज़ है कि एक हम जैसे बरेली झुमका सिटी के नाम से प्रमोट है, लोगों के माइंड पर है, तो हम एक झुमका आइकॉन अवार्ड नाइट वहाँ करने वाले हैं और वो रेडिसन होटल में ही होने वाला है और बॉलीवुड के बड़े से बड़े नामों को ले जाने की हमारी कोशिश है कि जितने भी बड़े नाम हैं वो रेडिसन होटल में जाएं. और जो बरेली को इतना छोटा समझते हैं, जब हम किसी एक्टर को साइन करने जाते हैं और जब हम उनसे कहते हैं कि बरेली में पिक्चर शूट हो रही है, सो उनके माइंड में आता है बरेली ये कहाँ पर है. सो वो जो एक माइंड में लोगों की ख्याल आते हैं उसको हटाना चाहते हैं और इतना प्रमोट करना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ, जैसे आज हम सेफई को एक सेफई महोत्सव के नाम से वो सिटी इतनी प्रमोट हुई है, तो जब बॉलीवुड के कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स वहाँ होंगे और बड़े सेलिब्रिटीज़ जब वहाँ पहुँचेंगे तो डेफिनेटली ये एक अलग लेवल पर सिटी जाने वाली है. तो बस हम अपना एज एन अब मैं कहूँगी कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम बरेली क्योंकि मेरी वहाँ अब मेरी सेकेंड होम है. सो बस यही है कि इसको प्रमोट करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे. लास्टली मुकेश जी, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उस बारे में कुछ बता दें या मेरी जो अभी फिल्म आने वाली है वो फिल्म का नाम है बैंड बजा बरेली में. बैंड बजा बरेली में और जो बहुत जो जिसका मुझे बहुत ही इंतज़ार है फिल्म का, जिसकी शूट बहुत अलग तरीके से जो होने वाली है, जिसका आप देख रहे हैं कि मेरा जो हेयर स्टाइल है वो अभी मैंने बहुत संभाल के रखा है, ये वो डायरेक्टर ने उस तरीके से कहा जो मैं कैरी कर रहा हूँ. वो फिल्म का नाम बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है और आप सबको पता चल ही जाएगा और आप लोगों को तो आना ही है. वो फिल्म का नाम है वायलेंस. तो उस फिल्म के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत हार्ड वर्क चल रहा है मेरा. और ये भी मैं बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज़ दूंगा कि बॉलीवुड की जो मेरे साथ जो एक्ट्रेस होगी वो बहुत ही मतलब एक फेमस एक्ट्रेस है जो अभी बात चल रही है और मंजू जी जो इसको मुझे लगता है कि अभी उसको फाइनल जल्दी कर देंगी. थैंक यू.